दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को मेगापिक्सल के विषय में। बहुत से लोगों को, मेरे भाइयों को ये कन्फ्यूजन होता है कि आखिर ये मेगापिक्सल होता क्या है, मेरे स्मार्टफोन में 12 मेगापिक्सल का कैमरा है या फिर मेरे दोस्त जो है उसके स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का कैमरा है या फिर मेरे आसपास के लोगों के पास जो DSLR है उसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, 24 मेगापिक्सल का कैमरा है। बोले ये आखिर होता क्या है मेगापिक्सल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आज उसी कंफ्यूजन को दूर करने आया हूं दोस्तों, और आप लोगों के बीच बताने वाला हूं कि आखिर ये मेगापिक्सल होता क्या है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो हे गाइज, वेलकम बैक। मेरा नाम है मृत्युंजय कुमार सिंह और आप देख रहे हैं रन ऑफ टेक। मेगापिक्सल के डिटेल को समझने के लिए दोस्तों आप लोगों से मेरा उम्मीद है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें बारीकी से। जब भी आप अपने स्मार्टफोन से या फिर DSLR कैमरे से किसी भी फोटो को क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद आपने देखा होगा जब भी आप जूम करते हैं उस फोटो को, तो छोटे 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 डॉट दिखाई देता है। तो वो जो डॉट होता है छोटा छोटा दोस्तों, उसको हम पिक्सल्स कहते हैं। और ये जो पिक्सल है दोस्तों, छोटे छोटे पिक्सल बन करके, एक छोटे छोटे रूप में बन करके पिक्सल एक बड़े पिक्सल का रूप लेता है, जिसको कि हम मेगापिक्सल कहते हैं। वेल, अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से बताता हूँ कि 10 लाख पिक्सल्स बराबर एक मेगापिक्सल होता है दोस्तों। जब भी आप फोटो को जूम करते हैं, जूम करने के बाद आपने देखा होगा कि छोटे 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 डॉट दिखाई देता है, तो वो पिक्सल होता है दोस्तों। बहुत ही छोटे छोटे डॉट के रूप में पिक्सल्स को लगाया जाता है सेंसर में। आप लोगों का सवाल ये भी होगा कि आखिर ये सेंसर लगा हुआ कहाँ रहता है, तो आपके स्मार्टफोन के कैमरे में जस्ट पीछे लगा हुआ रहता है, और उसी सेंसर के अंदर बहुत ही छोटे छोटे पिक्सल्स लगाए जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, जिसको कि शायद आप और हम अपने नग्न आंखों से देख भी नहीं पाए, क्योंकि बहुत ही उसका छोटा साइज होता है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कैमरे का ही साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है, और उसी के अंदर बहुत ही छोटे आकार का पिक्सल लगाए जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी कंपनी के स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल का कैमरा है या किसी में 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो आप लोग ये ध्यान में रखें दोस्तों कि एक मेगापिक्सल बराबर होता है 1 मिलियन पिक्सल। इसी चीज को आप 12 मेगापिक्सल के साथ लेकर के चलें तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 × 1 मिलियन यानी कि 12 मिलियन पिक्सल। अगर 108 मेगापिक्सल का कैमरा है तो उसके अंदर 108 मिलियन पिक्सल लगाए गए हैं। अगर आपके स्मार्टफोन में 12 मेगापिक्सल का कैमरा है और मेरे स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो इससे फायदा क्या है? तो इससे एक फायदा ये भी है दोस्तों कि जितना ज्यादा आपके स्मार्टफोन में मेगापिक्सल होगा, उतना ही ज्यादा आप अपने स्मार्टफोन के खींचे हुए इमेज को या फिर DSLR द्वारा खींचे गए इमेज को आप ज्यादातर ज्यादा जूम करके देख पाओगे। ज्यादा जूम होगा अगर आपके स्मार्टफोन में ज्यादा मेगापिक्सल है, और कैमरे की क्वालिटी में भी फर्क आएगा। ज्यादा मेगापिक्सल का होगा तो उसमें ज्यादा क्लियरिटी आएगी। दूसरी बात, मैं एक चीज और आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि एक इमेज को बनने में बहुत सारे टेक्नोलॉजी का योगदान होता है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेगापिक्सल के विषय में ही आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मेगापिक्सल के ही चलते आपका फोटो जो है वो क्लियर आएगा। मैं इस वीडियो के बाद एक और वीडियो बना करके आप लोगों को समझाऊंगा दोस्तों कि किस तरह से मेगापिक्सल ही एक स्मार्टफोन के कैमरे में या फिर DSLR कैमरे में जरूरी नहीं है। जितना ज्यादा मेगापिक्सल होगा उतना ज्यादा आपका फोटो शार्प नहीं होगा। हाँ, मेगापिक्सल का एक काम है जो कि आप लोग ये ध्यान में रख लें कि जितना ज्यादा आपके स्मार्टफोन के कैमरे में या फिर DSLR कैमरे में मेगापिक्सल होगा, उतना ही ज्यादा आप उस इमेज को, उस स्मार्टफोन द्वारा या फिर DSLR द्वारा खींचे गए इमेज को जूम कर पाओगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेगापिक्सल के विषय में आप लोगों को जो भी परेशानी थी, जो नहीं जान रहे थे, अगर आप जान भी रहे थे दोस्तों, तो तरोताजा करने में अगर जरा सा भी इस वीडियो का योगदान रहा हो, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिना बोले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको कि मेगापिक्सल के विषय में बिल्कुल भी नहीं पता है। जय हिंद, वंदे मातरम।